हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा, जो सर्दियों में बनने वाली सबसे स्पेशल डिश होती है। तो सबसे पहले हम गाजर को धो लेंगे और इसे ग्रेट कर लेंगे इस तरह से। अब हम एक पैन में 4 से 5 चम्मच जितना घी ले लेंगे। घी मेल्ट हो जाने के बाद हम इसमें ग्रेटेड गाजर को डाल देंगे। अब हम गाजर को लगभग 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे, जब तक गाजर सॉफ्ट ना हो जाए। तो देखिए, गाजर सॉफ्ट हो चुका है, घी भी अलग हो चुका है। अब हम इसमें लगभग 500 ग्राम जितना दूध डालेंगे और ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। मैंने इसमें बादाम, काजू और किशमिश डाला है। अब हम दूध ड्राई हो जाए तब तक हम इसे पकाएंगे लगभग 15 से 20 मिनट तक। तो देखिए, हमारा दूध थोड़ा थोड़ा ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें शुगर डालेंगे लगभग 1 कटोरी। शुगर डालने के बाद भी हमें इसे 10 से 15 मिनट तक पकाना है। तो देखिए, गाजर का हलवा रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।